तो जो है जब कभी भी हमें अवसर मिलता है बोधिचित्त संवर्ग प्राप्त करने का, तो इससे जो है ये कहा गया है कि जो है हमने बहुत अधिक बहुत बड़ा हम लोग पुण्य के भागी हो गए हैं, हम लोगों ने बहुत महापुण्य हम लोगों ने अर्जित किया है। अने चिकी लामा दा दिन्दे ढूँढ़ नो शुद्ध हुई ना यहाँ को मिसे की गोबा यारे ये ना यहाँ चंचल सिंबे तंबो शुभ ला यंजे मिंजे लामे ढूँढ़ने तंबो शुगो ऐ द यो मारे ये ने शुद्ध हुई ये ना पेशन सोबे यहाँ ला चाहते यारे इस आज बोधिचित्त का ये संवर प्राय हम लोग जो है गुरुजन अपने गुरु से अपने मूल गुरु से हम लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन जो है ये जरूरी नहीं है कि जो है केवल जो है गुरु से ये प्राप्त करें, अन्य माध्यमों से भी हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन गुरु से प्राप्त करने का एक विशेष प्रयोजन होता है। आदिशा ने जो है उन्होंने बोधिपथ प्रदीप में उन्होंने जो है बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो है आप बोधिचित्त संवर को जो है अपने गुरु से भी प्राप्त करते हैं और अन्य माध्यमों से भी हम लोग प्राप्त करते हैं। दीजिए ता थंगो लामे ढूंढने शुद चु अं दीजिए ले या ता क्या नाम बसो सेव चियोंगा सुनो ता दागने शेंगी नंगा ता सागा दावा से या ता शुगो ट्यूजिन से या ना दागने शे थबो ट्यूजिन से या के कहाँ दर अं चिक सेसां ट्यूसां दीजिए के कब ले या अनि सोसे रुआ नाम या ले संगी की कुंडे योरे तो जो है बोधिचित्त संवर जो है हम प्राय जो है जो अच्छे जो मंगल पुण्य दिन होते हैं पुण्य अवसर होते हैं जिनमें विशेषकर जो है पूर्णिमा हो और इसी तरह जो है तथागत बुद्ध ने जो उन्होंने सबसे पहले धर्म चक्र प्रवर्तन किया था वो ऐसे अवसरों में हो और इसी तरह जो है तथागत बुद्ध जो है देवलोक से जो है यहाँ मनुष्य लोग में पधारते हैं ऐसे दिवस में हो, तो ऐसे जो है पुण्य अवसरों में यदि जो है अपने लागंग में जाके अपने मंदिरों में जाके वहाँ बुद्ध के मूर्ति के समक्ष हो या इसी तरह जो है अपने गुरुजन हो उनके समक्ष यदि हम प्राप्त करते हैं तो उसका जो है पुण्य लाभ जो है बहुत ही अधिक होता है। तक कले ने खाया यो मारे रुआ तक सोचो छे मासे रे रुआ बेजन छे मासे ता कैसे बुद्धि मासे रे मातो छे भाई ने कले खाया यो मारे अन्न चिक संगे कुंडा दादे जोल संगे मुई दुष्य शा अन्न सोचो मुने तंबुचा सोमचे अन्न समझे नालो ले या समझे थम्चे की चुन ठंडो ता संगे कोमा थोपर चिकी संबता संगे कोमा थोपे गुजो लाया सोचो चुपर चिकी समझे मुदो ताने अन्न संगे की शेने मा ता पे ना जी चंचु से बतो बसों या किसी मंगो यो डामा डा मंगो यो रे तादें ये तंगी शुभ दे कुछ सुनो दागे पीछे साथ योंगड़ा रे दिल चिकन चुंगी मातो यो मारे ती इंजी मुझे लोल सिंग को ऐके यो मारे ते जे मार लो शने जगी रे सुसे मार लो सुसे मार क्यों समले नालो संगे कुछ सुमा सुंगो यो सं सुसे जंजी चिकी यो सं ते ते टेमा सुम चे अन दी चे ले या अने पे कटिंग ताना गयो तो अने छा सुम चे ते ते चे वही ना ता कामा ना चु मातो गो मारे ने सोनम हल्ले बिचो बसाये चे रे ते ते जे नाम तो वही ना ngaran su ngune ge khala ji so go chune ba ji en ji be che zhe cham zhe che zhe de dang go duo ta ni de ge ga mang ga ju ge de da le ya ngo zhe nang me xiao de na ani pang go duo di ni de ni de zhe nang pu ro xi na ngune ge so nam qing bu sai re s तो जो है हम बोधिचित्त संवर्ग प्राप्त करने का ये जो है इसके ऊपर यदि हम ध्यान दें हम इसको जो है बहुत महत्वपूर्ण मानकर हम इसके ऊपर ध्यान देकर अपने जीवन में इसकी साधना करने के प्रयास करें तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसको जो है हम लोग इसको महत्व देते हैं या नहीं देते हैं इसके ऊपर निर्भर है। यदि हम इसको महत्व देते हैं तो बहुत कठिन कार्य नहीं है। तो इसलिए जो है जब कभी भी हमें ऐसे पुण्य अवसरों में हमें अवसर हमें प्राप्त होता है तो हमें जो है तथागत गौतम बुद्ध के उनकी मूर्ति के समक्ष जाके वे साक्षात रूप में हमारे सामने हैं ऐसा विचार करके उनके प्रति जो है तीन बार उनका जो है प्रणाम करके उनको जो है प्रणाम निवेदित करके छाक करके तो ऐसे विचार करना चाहिए कि तथागत गौतम बुद्ध स्वयं जो है अपने मुख से जो है ऐसे जो
बोधिचित उत्पन्न करने के लिए, बोधिचित बोधिचित का संवर उत्पन्न करने के लिए वो जो है अपने मुख से जो है ऐसे वाणी ऐसे शब्दों को बोल रहे हैं और स्वयं भी जो है तथागत बुद्ध के जो कहे हुए शब्दों को उसको दोहरा रहे हैं। ऐसे विचार हमें करना चाहिए। इससे पहले मैंने जो बोधिचित संवर दे जैसे मैंने जो शब्द या मैंने जो छह सावलों को दिया था वो जो है बहुत ही अधिक नहीं है, केवल जो है 12 पंक्तियों का शब्द है। तो 12 पंक्तियों का शब्द आप लोगों को जो है उसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग जो है उसको केवल पढ़कर भी आप लोग उसको उससे जो है बोधिचित्त संवर प्राप्ति के लिए आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। और चूंकि हम यदि हम देखें कि हम ये इसका जो प्रक्रिया है बोधिचित्त समय प्राप्त करने की जो प्रक्रिया उसमें बहुत अधिक समय नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट से ज्यादा वो समय नहीं लगता है। क्योंकि हम अपने जो है कुछ चाय बनाना हो, चाय पानी बनाना हो, भोजन बनाना हो, ऐसे ऐसे उसमें तो हम लोग 10-15 मिनट तो हम लोग यूं ही गंवा देते हैं। तो इसलिए जो है हम अपने जो है समय का सदुपयोग करते हुए यदि हम जो है इस तरह से जो है बोधिचित्त का समर प्राप्त करते हैं तो उसका जो है पुण्य जो है बहुत ही अधिक है, उसका पुण्य जो है असीमित है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाता है। संगे चुम दे देंगे खरसो से ना बीजिंग सुखना tene tewe hapo gyuru tene chenju semdan jewe samlo dide shik tamba yina di penyuen dan sonam de kesi suksu dhugu yoba yina jikdengi kamgi nalor shungu mare son yore penyuen samgi mikyaba chade yore dindu nganzu gama kashayagi chedu du samlo shi tanto na di penyuen dhumde di samgi mikyaba re an gama chuchu yama chigi cha kalay kyam cha sewe nin cha di pobo khan rang re ruwa dindu en dide dhugu re dindu nganzu nang turo chena yamu shiodo wa 또 इसी तरह जो है तथागत गौतम बुद्ध ने बेल्जिंग के एक सूत्र हैं, उन्होंने जो है उस सूत्र में कहा है कि यदि जो है बोधिचित्त प्राप्त करने का या बोधिचित्त प्राप्त करने का उसके पुण्य का यदि जो है एक उसका जो है रूप होता या उसको हम कहें कि एक रूप के रूप में या एक वस्तु के रूप में यदि अगर होता तो वो जो है इस पूरे संसार में या इस पूरे विषय में वो जो है वो समा नहीं पाता, इतना बड़ा उसका जो है पुण्य है। तो इसलिए जो है इसका फैन जो है इसका अनुशंसा जो है बहुत ही अधिक है। तो हम लोग जो है 10-15 मिनट तो हम लोग ऐसे ही जो है भोजन पानी खाना बनाने में हम लोग ऐसे ही बिता देते हैं। तो इसलिए यदि हम इस समय का सदुपयोग करते हुए हम जब कभी भी पुण्य अवसर हो या अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी हम लोग जो है ऐसे बोधिचित्त समर को प्राप्त करने का हम लोग जो समय बिताते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत ही पुण्य का हम लोग पुण्य के भागी होंगे। तो इसलिए जो है बोधिचित्त उत्पाद करने के लिए जो है हम अपने घर में भी कर सकते हैं या यहाँ कहीं बुद्ध मंदिरों में हो या सामूहिक कोई आप लोगों का सभा हो वहाँ भी आप लोग जो है बोधिचित्त उत्पाद करके इस पुण्य को जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तिने ठाकुर समझेगी तेना ब्यू वाला ठाकुर कोई चेना इंदे कोई चेना शुभ ठेंदो अने चेंदे से बशोस। तो जो है आप त्रिरोदर देव का यहाँ अनुज्ञा दी जाएगी तो इसलिए जो है सबसे पहले काय अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए जो है आप सब इस इन शब्दों का आप लोग दोहराएं। लामा दोजे जिम्बा छिम्बे ताला कोंग सुसु पे छाना दोजे कुई चेना ताला जेशें वांग कुर्दुसु लामा दोजे जिम्बा छिम्बे dala gongsu se pe chana doje kui jenang dala zel shing wang kurdu se lama doje zimba chenbe dala gongsu se pe chana doje kui jenang dala zel shing wang kurdu se oya tante dina na pe chana doje sonya de jidan hata khusum di jikdu jine kui ta namgyo zo di chana doji kui namba ten an teyi tingdo tango degi tamde teyi tingdo chekyon degi kyungda dosre ta di indi zo tante dinan chana doji sunye di chadere yinaya chabu sum
तो अभी जो है जब हम इन जो पंक्तियों को हम लोगों ने जो दोहराया है उसमें विशेष रूप से जो शब्द आया है उसमें जो है पहल छांगना दुर्जे जो विशेष रूप से वज्रपाणी है तो वज्रपाणी का यहाँ उनका यहाँ जो है नाम आया है। लेकिन जो है वज्रपाणी हो हायग्रीव हो और गरुड़ हो आप तीन का जो है एक रूप में एकाकार रूप में वज्रपाणी है वज्रपाणी है उनके सिर के ऊपर जो है उनके सिर के ऊपर जो है वज्रपाणी के गरुड़ हैं और वज्रपाणी के ऊपर जो सिर के ऊपर जो है हायग्रीव हैं और उनके ऊपर जो है गरुड़ हैं तो चूंकि जो है वे सब जो है एकाकार हैं तो इसलिए जो है यहाँ पर शब्द जो है वज्रपाणी है। लेकिन जो है ये जो जो अनुज्ञा दी जा रही है ये त्रिरोदर देव उन सभी का जो है अनुज्ञा है।